सरस्वती शिशु मंदिर डोंगरगढ़ के एनएसएस इकाई 7 दिवसीय का कैंप ग्राम श्रीपुरी में रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक के रूप में समस्त विद्यार्थी इस कैंप के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, जिसमें ग्राम वासियों को जागरूक करने एवं आत्मरक्षा के लिए 3 दिवसीय निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें ऑन दी राइज मार्शल आर्ट एकेडमी डोंगरगढ़ के सेंसाई स्वर्गीय श्री अरुण मिश्रा के मार्गदर्शन में मुख्य कराटे प्रशिक्षक श्री मुकेश साहू व समस्त टीम के कोच गौरव राव, दीप चंद्रवंशी, भावना चंद्रवंशी, युवराज साहू, चमन साहू द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें समस्त एनएसएस इकाई के विद्यार्थी व ग्रामीण के नव युवक युवती इस कार्यक्रम में भाग लिए व अपने शरीर को कैसे फिट रखें और समय आने पर अपनी रक्षा स्वयं कैसे करें इस कराटे प्रशिक्षण में सीखने को मिला। बालिकाओं का कहना था कि हम इस कराटे आत्मरक्षा प्रशिक्षण में हमारे शरीर के ऐसे बहुत से भाग हैं जिसके वार करके तकनीक के द्वारा उसे बेहोश या गंभीर चोटिल कर सकते हैं और वहां से अपनी जान बचाकर कोसों दूर भाग सकते हैं। इस कैंप के मुख्य एनएसएस इकाई के शिक्षक श्री वीर सिंह आचार्य जी व इस विद्यालय के प्राचार्य श्री प्रकाश यादव जी व समस्त ग्राम वासियों का संपूर्ण योगदान रहा। मैं यहाँ कराटे इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरे जो गुरुजी थे स्वर्गीय श्री अनुज मिश्रा, उनके मार्गदर्शन में हम ग्राम शिवपुरी में 3 दिवसीय निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण दिए, जिसमें से हमारी संस्था के 3 जो ब्लैक बेल्ट्स हैं, दीपा चंद्रवंशी, भावना चंद्रवंशी और गौरव राव, हम चारों ने मिलकर वहाँ बालकों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिए और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम सेल्फ डिफेंस सिखाए, जिसमें पिन पेन और अपने पिन पेन भी नहीं है तो अपने हाथ को ही हथियार बना के उस जगह पे हमको कैसे बचना चाहिए या अपना बचाव कैसे करना चाहिए, यह हम उस कैंप में बताए हैं। और वहाँ के गांव के भी बच्चे उपस्थित थे और शहर के भी बच्चे भी उपस्थित थे, जहाँ से कैंडिडेट समथिंग 100 से लगभग बच्चे वहाँ उपस्थित थे, जिनको हमने कार्यक्रम में सफलपूर्वक यह कार्यक्रम दिया। जी हाँ, हम वहाँ पे गए थे 3 दिवसीय निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण के लिए। वहाँ बालकों को मार्शल आर्ट और फिटनेस की जानकारी दी गई तथा बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट की जानकारी दी गई थी। डोंगरगढ़ से अमरीश टांडिया, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।